देखो इस तरह के क्योंकि बरसातना लेट हो रही है इसलिए जो डेंगी का इस बार जो सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा बैड चल रहा है और पठानकोट शहर के खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा केसिस रिपोर्ट हो रहे हैं एंड बहुत सारे केसिस ऐसे भी होंगे जो अनरिपोर्टेड भी चल रहे हैं। लेकिन डेंगी जोड़ा है वो बेसिकली वायरल फीवर है जिद ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रिमेन्स पैरासीटामोल और अच्छी हेल्दी जी है डाइट लेनी चाहिए है न्यूट्रीशियस डाइट लेनी चाहिए है जिद के कोई भी फ्रूट तुम ले सकते है फ्लूड्स जोड़े वो इनटेक अच्छी होनी चाहिए जरूरी नहीं कि तुम नारियल पानी ही पीना यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ फ्लूड्स। इस अलावा जोड़े भी तुहाड़ा बकरी का दुध है या दूसरा दुध है यदि कोई कोई ऑथेंटिकेटेड कोई भी प्रूफ नहीं है इट इज़ जस्ट अ हेयर से भाई वही साढ़े खास तौर पर इस एरिया के बकरी के दुध ना प्लेटलेट्स नाले वधदे ऐसी कोई ऑथेंटिकेटेड या कोई साइंटिफिक प्रूफ इस चीज़ का कोई भी नहीं है। सैकेंडली मैं एक रिक्वेस्ट करांगा कि जोड़े साढ़े पठानकोट शहर के साढ़े लोग है वो थोड़ा सोचते हैं कि प्लेटलेट अगर उन्होंने 1 लाख तक भी आ जाते हैं तो घबरा जाते हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि साढ़े प्रोटोकॉल के हिसाब न 1 लाख या 80,000 या 70,000 तो थानू डरन की कोई जरूरत नहीं है। प्लेटलेट्स की रिकवरी जी है जो तो शुरू होती है तो एकदम हो जाती है और साढ़े जोड़े प्रोटोकॉल हैगा वो एक्चुअली ये है कि 20,000 अगर प्लेटलेट्स आते हैं तो दैन वी शुड गिव द प्लेटलेट्स उदों तक सूँ नैचुरल रिकवरी की वेट करनी चाहिए है क्योंकि प्लेटलेट्स देने की बजाय अगर असी नैचुरल रिकवरी करिए तो 2 दिन के 2-3 दिन सारे कवर हो जाते हैं।